दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2022 के सीजन में बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में इतिहास की दो खतरनाक टीमें आमने सामने हैं। इसमें ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच टक्कर रहेगी। इसमें दोनों ही टीमों की कप्तानी भारत के युवा बल्लेबाज कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि क्या रहने वाली है इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और इस महामुकाबले के लिए लाइव अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से बेहतरीन कप्तान कौन है? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की प्लेइंग 11 की टीम के बारे में। टीम की ओपनिंग करने के लिए आएंगे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। इसके बाद उनकी टीम में बल्लेबाजी करने के लिए ललित यादव और कप्तान ऋषभ पंत आएंगे। इसके बाद उनकी टीम में रहने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी पावेल शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल। दोस्तों इसके अलावा इनकी टीम में गेंदबाज भी बहुत शानदार है। इनकी टीम में मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं। इसके अलावा इनकी टीम में तेज गेंदबाज ऑनरेच नॉर्जी भी शामिल हो सकते हैं। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए आएंगे जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल। इसके बाद अगर हम नंबर 3 पर बल्लेबाजी की बात करें तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे भारत के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। ये भी एक शानदार बल्लेबाज है। और इसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाज करने के लिए आएंगे खुद राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन। इसके बाद अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम की गेंदबाजी की बात करें तो इनकी टीम में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी और ट्रेंट बोल्ट जैसे खतरनाक गेंदबाज शामिल हैं। इसके अलावा इनकी टीम में युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं। दोस्तों ये थी इन दोनों टीमों की आज के मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। दोस्तों ये मैच आप 7:30 बजे से हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनल पर लाइव देख पाएंगे। दोस्तों ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। दोस्तों ये स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अच्छा बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम में गेंदबाजों को इतनी मदद नहीं मिलती और ना ही गेंद स्विंग और स्पिन होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज के मुकाबले में गेंदबाजों की बिल्कुल भी अच्छे से मौज आने वाली है। इस स्टेडियम में अधिकतम मुकाबले रन चेस करने वाली टीम ही जीतती है। ये दोनों ही टीम इस साल आईपीएल में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी और कौन सी टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच पहले से ही मुकाबला बहुत टक्कर का रहता है। ऐसे में हमें आज होने वाले मुकाबले में भी इसी प्रकार की टक्कर की उम्मीद रहेगी। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए कौन सा गेंदबाज सर्वाधिक विकेट ले सकता है? उसका नाम हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर लिखें। धन्यवाद।